हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका अपना विजय बंसल लेकर आया हूँ आज एक बेहतरीन सा सेशन आपके लिए। और आज के सेशन में आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम पहचान करें कि इन्फिनिटिव क्या होता है, सेंटेंस के अंदर उसके यूसेस क्या होते हैं, जेरंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है। तो पूरी वीडियो इसके ऊपर है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी हैं, तो बच्चों बने रहिएगा साथ में। चलिए शुरू करते हैं। देखो, वर्ब जो होती है उस वर्ब का एक हिस्सा, एक पार्ट होता है, जिस पार्ट को हम नॉन फाइनाइट बोलते हैं। एक इसी का दूसरा पार्ट होता है जिसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट बोलते हैं। फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स को आप कह सकते हैं मेन वर्ब्स। सबसे पहले आप मेन वर्ब्स को देख लीजिएगा कि मेन वर्ब्स क्या होती है। मेन वर्ब का मतलब होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो चेंज होती रहे। जैसे ही सब्जेक्ट चेंज हुआ वैसे वर्ब भी चेंज हो गई, टेंस जैसे ही चेंज हुआ वैसे वर्ब भी चेंज हो गई, तो समझ लो वो मेन वर्ब है। मतलब जैसे मैं यहां पे लिखूं, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तो आपने देखा ये जो प्ले वर्ब है, वर्ब आपको पता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अभी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्रेजेंट सिंपल चल रहा, तो वर्ब भी सिंगुलर आ गई। पर जैसे ही मैं ये सब्जेक्ट चेंज करूंगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे दे लिखा, तो ऑटोमेटिकली दे का यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके साथ ही प्ले हो जाएगा। ऐसा हट गया, क्योंकि अब प्लुरल हो गया तो वर्ब भी कैसे हो गई, प्लुरल हो गई, दे प्ले क्रिकेट। कहने का मतलब है जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है या टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल था बट मुझे कहना पड़े कि उसने क्रिकेट खेला था, तो मैं इसको पास्ट में लेके जाऊंगा, ही प्लेड क्रिकेट। जैसे ही टेंस चेंज हुआ ये वर्ब भी चेंज हो गई। तो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब वर्ब चेंज होती है उसको बोला जाता है क्या, फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है दोस्तों, अब आज के सेशन में बात करने वाले हैं नॉन फाइनाइट की। तो एक बार देखते हैं जनाब नॉन फाइनाइट क्या होता है। दोस्तों ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है ना, ये सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। जैसे अभी मेन वर्ब चेंज हो गई थी ना, ये नहीं होगी, अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। पहली बात। दूसरा, जो नॉन फाइनाइट होती हैं वो आपके एक तो हो जाता है दोस्तों क्या, इन्फिनिटिव। सबके यूजेस देखेंगे। इन्फिनिटिव को दो हिस्सों में आप बांट लीजिएगा, एक फुल, फुल इन्फिनिटिव का मतलब क्या हुआ, 2+V1। एक आप इसको कह लीजिएगा दोस्तों बेयर, बेयर का मतलब प्यारे बच्चों क्या हुआ, 2। सॉरी, यहां पर क्या होगा, बेयर का मतलब 2 नहीं आएगा, सीधे ही क्या आ जाएगा, आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपका बेयर इन्फिनिटिव हुआ और वो आपका क्या हुआ, फुल इन्फिनिटिव। एक दोस्तों इसी के अंदर क्या होगा, जेरंड होगा। जेरंड का मतलब क्या हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। एक इसके अंदर आपके हो जाते हैं क्या दोस्तों, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल आपका जाएगा तीन तरह का, कौन कौन सा जाएगा, एक तो आएगा दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा इसकी पहचान होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। इन दोनों में क्या फर्क होगा वो मैं बताऊंगा आपको आज ही के सेशन में। एक आपका दोस्तों होगा पास्ट पार्टिसिपल। यूं तो कह लीजिएगा कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है एक तरीके से वो वर्ब की थर्ड फॉर्म को आप ले जाते हैं, बट आप ये देखिएगा अगर किसी वर्ब के लास्ट में ईडी लगा है, ईडी जैसे कैसे लगा है, जैसे मान लीजिए मुझे कहना हो टायर्ड, जैसे मुझे कहना हो सरप्राइज, तो लास्ट में यदि ईडी लगा है किसी वर्ब के तो आप समझ लीजिएगा वो क्या होगा, आपका पास्ट पार्टिसिपल। या फिर दोस्तों क्या लगा हो, टी लगा हो, टी कैसे लगा होगा, जैसे सेंट, सेंट में आपने क्या देखा, टी देखा, बेंट टी देखा, तो ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है जिनमें ये टी लगा हुआ है या ईडी लगा हुआ है, तो आप समझ लीजिएगा कि ये किसकी बात कर रहे हैं, हम पास्ट पार्टिसिपल। या फिर दोस्तों क्या लगा हो, ईएन लगा हो, ईएन कैसे, जैसे ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, टेक, टुक, टेकन, तो लास्ट में यदि ईएन लगा है तो भी ये क्या होगा दोस्तों, आपका पास्ट पार्टिसिपल। इसके अलावा अगर लास्ट में लगा हो क्या, ne, ne लगा है तो भी आप समझ लेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल है। जैसे दोस्तों हमने क्या लिखा, डन, क्या लिखा भाई, डन। जैसे हमने क्या लिखा,
गोन. तो लास्ट में अगर एन ई है तो दोस्तों वो भी आपका क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल. इनके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक आपका होता है परफेक्ट पार्टिसिपल. परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होगा दोस्तों, देखते हैं जरा ध्यान से देखिएगा, बड़ा मजा आएगा भाई अभी आगे चल के धीरे धीरे. परफेक्ट जो पार्टिसिपल होगा प्यारे बच्चों, ये होगा आपका हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. हैविंग प्लस वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होगी आप समझ लीजिएगा कि वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा परफेक्ट पार्टिसिपल. ठीक है, तो ये तो हमने पहचान की कि ये भाई इन्फिनिटिव क्या है, जेरंड क्या है, पार्टिसिपल क्या है. अब इनके फंक्शंस देखते हैं. फंक्शन क्या देखते हैं कि दोस्तों जो ये इन्फिनिटिव है, क्या है दोस्तों, इन्फिनिटिव है. ये इन्फिनिटिव क्या क्या काम करता है एक सेंटेंस के अंदर, ये जो जेरंड है ये जेरंड क्या क्या काम करती है, और ये जो पार्टिसिपल है ये पार्टिसिपल क्या काम करता है. तो एक बार आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, जो इन्फिनिटिव होता है वो किसी भी सेंटेंस के अंदर दोस्तों एक नाउन का काम करता है. जो इन्फिनिटिव होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर किसका काम करेगा, नाउन का काम करेगा. जो जेरंड होती है वो भी किसी सेंटेंस के अंदर किसका काम करती है, नाउन का काम करती है. ये जो पार्टिसिपल होंगे, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, चाहे पास्ट पार्टिसिपल हो, चाहे परफेक्ट पार्टिसिपल हो, पार्टिसिपल एक सेंटेंस के अंदर दो काम करते हैं दोस्तों. या तो वो काम करेंगे किसके, एडजेक्टिव के, या फिर वो काम करेगा किसका दोस्तों, वर्ब का. या तो एडजेक्टिव का वो काम करेगा या फिर काम करेगा वर्ब का. बेसिक क्लासेज आप शुरू से लेते आ रहे हैं, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थर्ड आपने देखा होगा, तो उनमें आपने एक चीज देखी होगी, जो ये नाउन होता है, नाउन के फंक्शंस बताए थे. मैंने आपको कहा था कि भाई कभी भी एरर आपको पकड़नी है या सेंटेंस में यूजेस देखने तो आपको फंक्शन पता होना चाहिए. तो नाउन के क्या क्या फंक्शन होते हैं, इन्फिनिटिव के रूप में जब ये नाउन की तरह काम कर रहा है तो ये कहां कहां आ सकता है, ये सब्जेक्ट के प्लेस पर आ सकता है. कहां आ सकता है दोस्तों, सब्जेक्ट के प्लेस पर आ सकता है. दोस्तों ये कहां आ सकता है, एक नाउन ऑब्जेक्ट के प्लेस पर भी आती है ना, तो दोस्तों ये कहां आ सकता है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ सकता है. एक इन्फिनिटिव यानी कि टू प्लस वी वन सब्जेक्ट की जगह पर आ सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आ सकता है, या फिर दोस्तों ये कहां आ सकता है आपका, कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट पूरक आज आपने पढ़ा होगा भाई पार्ट थर्ड में, तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आपका क्या आ सकता है, ये इन्फिनिटिव आ सकता है. क्योंकि हमने वहां आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट के जगह पर जब सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो तो उसकी जगह पर नाउन आ सकता है. ठीक है ना, और नाउन के इक्विवेलेंट भी कोई आ सकता है. ठीक है, तो जब ये नाउन का ही फंक्शन कर रहा है तो नाउन के इक्विवेलेंट हो गया, तो कॉम्प्लीमेंट की जगह पर आ सकता है, सब्जेक्ट की जगह पर आ सकता है, और कहां आ सकता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट की जगह पर आ सकता है. फिर से देखिएगा, जेरंड की भी यही बात कर लेते हैं भाई हम. जेरंड एक नाउन का फंक्शन कर रहा है तो नाउन कहां कहां आ सकती है, एक सब्जेक्ट के प्लेस पर आ सकती है. बोलो हाँ या ना, बिल्कुल आ सकती है. जब सब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन आती है तो जेरंड भी आ सकती है, वी वन प्लस आई एन जी. और कहां आ सकती है दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ सकती है. कहां आ सकती है दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ सकती है. तीसरी चीज कहां आ सकती है दोस्तों, ये आ सकती है आपके कॉम्प्लीमेंट के रूप में, यानी कि कॉम्प्लीमेंट के प्लेस पर. तो इन्फिनिटिव जो होगा नाउन का काम करता है सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट की जगह आ सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट की जगह आ सकता है. जब जेरंड एक नाउन की तरह काम कर रहा है तो वो सब्जेक्ट की जगह आ सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट की जगह आ सकता है. देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ कैसे. बहुत ध्यान से देखना भाई. देखो हमने यहां पर कहा आपसे, टू रीड इज माई हॉबी. टू रीड इज माई हॉबी. टू रीड इज माई हॉबी का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो आप ये देखो, इज एक वर्ब है, हाँ या ना. जी बिल्कुल, एक वर्ब है. वर्ब से पहले जनरली कौन आता है आपका, सब्जेक्ट आता है. अब बात आती है, सर आपने बताया था कि सब्जेक्ट की जगह पर दो ही चीजें आ सकती है, या तो नाउन या फिर क्या, प्रोनाउन. लेकिन एक तीसरी चीज और ऐड की थी, वो ऐड क्या किया था, नाउन प्रोनाउन तो आएगा लेकिन नाउन के इक्विवेलेंट यानी कि जो फंक्शन नाउन के करे वो भी सब्जेक्ट के प्लेस पर आ सकता है. सो टू प्लस वी वन इन्फिनिटिव है, नाउन का काम करता है, सब्जेक्ट की जगह पर आ सकता है. To read is my hobby, पढ़ना मेरी क्या है, हॉबी है.
तो यानी कि यहां पर ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो इस तरह से एक सेंटेंस में इन्फिनिटिव सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा आई लाइक टू रीड, आई लाइक टू रीड, मुझे पढ़ना पसंद है। पार्ट थर्ड में आपने देखा था जब ऑब्जेक्ट हमने कराए थे तो क्या या किसको का जो रिप्लाई था वो ऑब्जेक्ट होता है। मैंने कहा आई लाइक टू रीड, मुझे पढ़ना पसंद है। मैंने क्वेश्चन किया मुझे क्या पसंद है, तो जवाब आया साहब पढ़ना। क्या का जवाब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं क्या 2+V1 ऑब्जेक्ट की जगह पर आ सकता है। हाँ जी सर बिल्कुल आ सकता है। तो 2+V1 एक इन्फिनिटिव है और यहां पर क्या का रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब यहां पर एक ऑब्जेक्ट की जगह पर आ सकता है। उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिएगा और देखते हैं कॉम्प्लीमेंट के रूप में। जैसे मैंने कहा द बेस्ट थिंग ऑफ द लाइफ इज टू लर्न, द बेस्ट थिंग ऑफ द लाइफ, जिंदगी की सबसे अच्छी बात क्या है, टू लर्न, सीखना, सीखना सबसे अच्छी बात है। अब आप देखेंगे जब इज अकेला आता है तो इज अकेला आता है तो वो क्या हो जाता है, एक मेन वर्ब की तरह यूज कर लीजिएगा आप उसको, ठीक है ना। और मेन वर्ब की तरह अगर आप यूज करेंगे तो जब इज अकेला आता है तो एक लिंकिंग वर्ब भी होता है, याद करो आप, ये बात बताई थी मैंने। तो लिंकिंग वर्ब अगर ये है तो लिंकिंग वर्ब क्या बताती है भाई, इंपॉर्टेंट थिंग क्या है लाइफ की, बेस्ट थिंग क्या है, सीखना, तो सीखना ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। बेस्ट थिंग क्या है, सीखना, तो सीखना इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो एक जो इन्फिनिटिव होता है वो कॉम्प्लीमेंट की जगह पर भी दोस्तों आ सकता है, एक जो इन्फिनिटिव होता है वो कॉम्प्लीमेंट की जगह पर भी आ सकता है। तो हमने यहां पर देखा बेसिक कुछ हम जानकारी दे रहे हैं कि एक इन्फिनिटिव सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की जगह पर प्यारे बच्चों आ सकता है क्योंकि वो नाउन का फंक्शन करता है और नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आते हैं, ठीक है जी। चलो जी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों और यहां पर बात करते हैं जेरंड की। किसकी करेंगे प्यारे बच्चों, जेरंड। प्यारे बच्चों फिर से देखो जेरंड नाउन होती है, हाँ या ना, V1 प्लस ING, अरे बोलो ना जी, बिल्कुल। देखो अब मैंने कहा वॉकिंग इज गुड, अभी बहुत सारे क्वेश्चन में लेके आऊंगा आपके सामने स्क्रीन पर, एक बार आप समझ लीजिएगा, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, चलना सेहत के लिए अच्छा होता है, चलना सेहत के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। जेरंड क्या काम करता है, नाउन का, नाउन क्या फंक्शन करती है, सब्जेक्ट की जगह पर आ सकती है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आ सकती है या फिर कॉम्प्लीमेंट की जगह पर नाउन आ सकती है। कई बार देखो नाउन एडजेक्टिव के बाद भी आती है, प्रपोजिशन के बाद भी आती है, तो जहां जहां नाउन के फंक्शन होंगे वहां वहां कौन आ सकती है, जेरंड आ सकती है। अब देखो इज एक वर्ब है, अब अगर दोस्तों ये वर्ब है तो इसका मतलब ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और V1 प्लस ING जब सब्जेक्ट के प्लेस पर आता है तो वो कहलाता है क्या, जेरंड। क्या कहलाता है दोस्तों, जेरंड। V1 प्लस ING अगर सब्जेक्ट के प्लेस पर है तो दोस्तों क्या कहलाएगा, वो जेरंड कहलाएगा। देखिएगा अगर मैं यहीं पर लिखूं आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है, मैंने क्वेश्चन किया मुझे क्या पसंद है, तो मुझे क्या पसंद है भाई, पढ़ना। क्या का जो रिप्लाई होता है दोस्तों वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के प्लेस पर क्या आ सकता है, नाउन या प्रोनाउन या नाउन के इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब रीडिंग कहीं ना कहीं जब ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन होगा, और V1 प्लस ING जब नाउन का काम करता है तो दोस्तों वो क्या कहलाता है, एक जेरंड। क्या कहलाता है भाई, एक जेरंड कहलाता है। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है जी, ध्यान से देखना। एक जेरंड के लिए मैं एक तरीका और बता देता हूं, बिल्कुल देसी तरीका। ये तो हो गया कि भाई बुक की भाषा में हमने जैसे देखा है कॉन्सेप्ट वाइज, एक हम देखते हैं कि कभी भी जब V1 ING होता है उस सेंटेंस की अगर आप हिंदी निकाले, ना निकाले ठीक है यहां पे काम हो गया, बट फिर भी कुछ बच्चे अगर अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा कोई और इजी टास्क मिल जाए, इजी तरीका मिल जाए, तो आप जब इसकी हिंदी निकालेंगे तो अगर इसके साउंड में आपको ना नी ने, किसका साउंड दोस्तों, ना नी ने का अगर साउंड नजर आ रहा है तो आप समझ लेना कि वो V1 प्लस ING जेरंड का काम करेगा। चलना, चलना में लास्ट में क्या आया दोस्तों, ना, इसका मतलब V1 ING क्या है, जेरंड है। पढ़ना, पढ़ने में क्या आया, ना, ना आ रखा है, तो इसका मतलब दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आपका जेरंड हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। तो एक जेरंड जो होती है किसका काम करेगी भाई, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का। और देखते हैं
एक जेरन के बारे में एक अच्छी बात और बताता हूं, देखिएगा। जैसे कई बार आपने देखा होगा कोई प्रपोजिशन होती है, हाँ या ना, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। प्रपोजिशन जो होती है तो प्रपोजिशन के बाद आपको पता है या तो नाउन आएगा या फिर क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा, बिल्कुल पता है। लेकिन नाउन की जगह पर नाउन का इक्विवेलेंट भी तो आ सकता है। आपने ये बात जरूर पढ़ी होगी, कोई भी प्रपोजिशन होती है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगी, आईएनजी आएगी। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्यों आता है? मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने कहा सी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम टेल ए लाई, ये छोटा सा क्वेश्चन आ गया। सी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम टेल ए लाई, उसने मुझे झूठ बोलने से रोका। अब सिंपल सी बात है, अगर हमने सीधा सीधा देखा है, फ्रॉम एक प्रपोजिशन होती है दोस्तों, और प्रपोजिशन के बाद सीधा ही क्या आ जाता है भाई, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो उसमें आईएनजी लगा देते हैं, ऐसा बच्चों ने पढ़ा है। मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो प्रपोजिशन होती है उस प्रपोजिशन के बाद दोस्तों या तो नाउन आता है या फिर क्या आता है, प्रोनाउन आता है। अब यहां पर दे रखी है वर्ब, तो प्रपोजिशन के बाद वर्ब तो आएगी नहीं, तो इस वर्ब की हमें क्या बनानी पड़ेगी, नाउन। और हमारे पास केवल एक ही तरीका है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो तो वो जेरंड बन जाती है, और जेरंड बन जाती है तो इसका मतलब वो किसका काम करती है, नाउन का। तो यहां पे दोस्तों पार्ट में क्या हो गया आपका, सी, ठीक है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, छोटा सा क्वेश्चन था, ये भी आप ध्यान रखिएगा भाई, प्रपोजिशन के बाद भी क्या आ सकती है, वी1 प्लस आईएनजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हमने कहा कि ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आ सकता है, जैसे मैंने कहा माय हॉबी इज डांसिंग, माय हॉबी इज डांसिंग, मेरी हॉबी क्या है भाई, नाचना है। जब देखो बच्चों अकेला इज आता है तो लिंकिंग वर्ब हो गई, पहले बता रखा है, पुरानी वीडियो देख लेना भाई, एक लिंकिंग वर्ब हो गई। अगर ये अकेला है लिंकिंग वर्ब है तो ये हॉबी और डांसिंग में लिंक बता रहा है, डांसिंग और हॉबी एक ही तो है भाई, जो डांसिंग है वही तो हॉबी है, तो यानी कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तो वी वन प्लस आई एन जी एक कॉम्प्लीमेंट की जगह पर भी आ सकता है, वी वन प्लस आई एन जी कहां आ सकता है दोस्तों, एक कॉम्प्लीमेंट की जगह पर भी आ सकता है, ठीक है। मैं वो फटाफट रिवाइज करा देता हूं, इन्फिनिटिव और जेरंड। इन्फिनिटिव अगर सेंटेंस के अंदर नाउन का काम कर रहा है तो वो सब्जेक्ट की जगह पर आ सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट की जगह पर आ सकता है। जेरंड अगर सेंटेंस में एक नाउन का काम कर रही है तो वो सब्जेक्ट की जगह पर आ सकती है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आ सकती है, कॉम्प्लीमेंट की जगह पर आ सकती है, प्रपोजिशन के बाद आ सकती है, किसी एडजेक्टिव के बाद भी आ सकती है। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे अभी बहुत सारे, ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक छोटी सी बात करते हैं, वो बात क्या है सर, ये बात तो सही समझ में आ गई, जेरंड और ये पार्टिसिपल का क्या रोल है। आपने कहा सर कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो भी तो वी वन प्लस आई एन जी होता है, और सर आपने कहा जेरंड जो होती है वो भी तो वी वन प्लस आई एन जी होती है। अब हम मासूम बच्चे, हम कैसे ये भेदभाव, कैसे डिस्टिंग्विश, कैसे ये डिफरेंस देखे कि वी वन प्लस आई एन जी जेरंड होगी या वी वन प्लस आई एन जी क्या होगा, वी वन प्लस आई एन जी प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो उस चीज के लिए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले फंक्शन देखो, जेरंड किसका काम करती है, अरे बोलो ना, नाउन का। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसका काम करता है, एडजेक्टिव या फिर वर्ब का। तो अगर सेंटेंस में वी वन प्लस आईएनजी वर्ब या एडजेक्टिव का काम कर रहा है तब तो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर वी वन आईएनजी नाउन का काम कर रहा है तब वो क्या है दोस्तों, जेरंड है। कैसे देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग यू। अभी यहां पर ये टीचिंग में देखेंगे, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अभी मुझे बताओ टीचिंग काम किसका कर रहा है, एक्शन हो रहा है तो वर्ब का काम कर रहा है, और वी वन प्लस आईएनजी अगर वर्ब का काम करेगा तो आप दोस्तों ध्यान रखना वो कहलाएगा क्या आपका, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहलाएगा दोस्तों, प्रेजेंट पार्टिसिपल। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही हो। मैंने कहा शी इज वॉकिंग, वह टहल रही है, तो आपने देखा वॉकिंग यहां पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, वह टहल रही है, चल रही है, एक्शन हो रहा है, और वी वन प्लस आई एनजी अगर वर्ब की तरह काम करेगा दोस्तों तो वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या शॉर्ट में पीपी लिख दूं, अरे बोल के बताओ ना एक बार, पीपी लिख दूं, जी बिल्कुल लिख देते हैं। तो यहां पे दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका, प्रेजेंट पार्टिसिपल। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आ रही होगी, आगे बढ़ जाते हैं।
मैंने कहा माय वाइफ जंप फ्रॉम अ बर्निंग ट्रेन. मेरी वाइफ एक बर्निंग ट्रेन, जलती हुई ट्रेन से कूद गई. कहां से कूद गई बच्चों? जलती हुई ट्रेन से कूद गई. अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो जलती हुई है, ये जलती हुई वर्ड यानी कि बर्निंग वर्ड आया किसके लिए है? तो आप कहेंगे सर जलती हुई तो इसके अंदर ट्रेन है. ट्रेन को आप देख सकते हैं तो वो क्या हुई? नाउन हुई. पहले हमने बताया था नाउन या प्रोनाउन के लिए जो वर्ड यूज होगा वो क्या होगा दोस्तों? एडजेक्टिव होगा. तो ट्रेन के लिए अगर बर्निंग आया तो एडजेक्टिव हो गया. और एडजेक्टिव अगर V1 प्लस ING एडजेक्टिव का काम करता है तो प्यारे बच्चों वो कहलाता है क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल. क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? प्रेजेंट पार्टिसिपल. उम्मीद करता हूं ये सेशन बड़ा अच्छा लग रहा होगा आपको. प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करते रहना इस पर. ठीक है जी, और देखते हैं दोस्तों. देखो भाई, और देखो, जैसे एक जेरंड की बात मैंने बताई दी आपको, अगर नानी ने का साउंड आ रहा है तो समझ लेना वो क्या होगी भाई, आपकी जेरंड होगी. जैसे यहां पे देख लो, सी इज वॉकिंग, वह टहल रही है. टहल रही है यहां पे नानी ने नहीं आया तो इसका मतलब ये जेरंड हो ही नहीं सकती. मेरी पत्नी कहां से कूदी भाई? बर्निंग ट्रेन. जलती हुई, जलती हुई, जलती हुई का मतलब क्या हो गया? जलती हुई का मतलब क्या हुआ भाई? नानी ने का साउंड नहीं आया तो यहां पर क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया. चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. देखो जी, देखो, मैंने कहा आई एम रीडिंग ए बुक. मैं एक किताब पढ़ रहा हूं. और फिर मैंने कहा रीडिंग इज माई हॉबी. अब आप यहां देखेंगे यहां पे रीडिंग किसका काम कर रहा है? V1 प्लस ING है, वर्ब की तरह काम कर रहा है. और V1 प्लस ING जब वर्ब की तरह काम करेगा तो दोस्तों वो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल. रीडिंग इज माई हॉबी, पढ़ना मेरी क्या है? हॉबी है. देखो अब की बार क्या मतलब आया इसका? पढ़ना. यानी कि जब वर्ब से पहले आए तो वो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है तो नाउन होता है, और नाउन होता है तो बच्चों को क्या होगा? जेरंड होगा V1 प्लस ING. यहाँ पे देख लो, नानी ने नहीं आएगा. आई एम रीडिंग ए बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल. और देखिए, आई सो अ रनिंग हॉर्स. मैंने एक भागता हुआ घोड़ा देखा. तो रनिंग में आपने देखा V1 प्लस ING है. अब मुझे देखना है कि ये जेरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जेरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है. तो आप देखेंगे भाई ये भागता हुआ क्या है, किसके लिए आया ये वर्ड? तो ये भागता हुआ वर्ड आया घोड़े के लिए. घोड़ा क्या है भाई? नाउन देख सकते हैं. नाउन के लिए जो आता है वो क्या होगा? एडजेक्टिव. और दोस्तों ये तो कहा V1 प्लस ING अगर एडजेक्टिव का काम करेगा तो वो कहलाएगा क्या दोस्तों? प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो ये हमने सेशन देखा है छोटा सा, इन्फिनिटिव, जेरंड और किसके ऊपर भाई? प्रेजेंट पार्टिसिपल के ऊपर. ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल में हमने बता ही दिया भाई अगर लास्ट में क्या लगा होगा, ED, T, EN, NE या हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, तो वो पार्टिसिपल में चला जाता है भाई. हैविंग थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल है, बाकी सारे पास्ट में. तो अभी कुछ क्वेश्चंस मैं आपकी स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं, आपको बस ये बताना है ऑप्शन के हिसाब से कि वो क्या है. ठीक है दोस्तों, फटाफट प्रैक्टिस हो जाएगी. और इनसे ना मजा आएगा कब? देखो अभी आप कहोगे कि सर ये एग्जाम में कैसे पूछेगा, ये एग्जाम में थोड़ा ही पूछेगा कि जेरंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या है. लेकिन इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, यानी कि जब आप इन फ्यूचर वर्ब का टॉपिक पढ़ेंगे, नॉन फाइनाइट जब आप पढ़ेंगे तो दिमाग क्लियर रहेगा, पढ़ने में बड़ा मजा आएगा आपको. ठीक है जी, चलेगा. या रुको एक मिनट, अभी स्लाइड रहने दीजिएगा. अभी ये कुछ मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पे, 7 क्वेश्चन, एक बार इनमें देखते हैं पहले. ठीक है ना, तो जरा देखेंगे. पहला क्वेश्चन है सी एंजॉयड, या ऐसे कर लेते, सी एंजॉयड स्विमिंग. उसने क्या एंजॉय किया था भाई? स्विमिंग को एंजॉय किया. आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये जो स्विमिंग है V1 प्लस ING है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा या जेरंड होगा. तो क्या एंजॉय किया? स्विमिंग. क्या का जवाब क्या होता है? ऑब्जेक्ट. और V1 प्लस ING अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा? आपका जेरंड. ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा? जेरंड. ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह. ही वॉन्ट्स टू स्विम, वह क्या चाहता है? तैरना. क्या का जवाब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट. और टू ऑब्जेक्ट की जगह पर जब 2 + V1 होता है तो ये तो सिंपल दिख ही रहा है आपको कि इन्फिनिटिव है. और किसकी तरह काम कर रहा है भाई? ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. सी सजेस्टेड गोइंग टू अ मूवी. उसने सजेस्ट किया. क्या सजेस्ट किया? जाना.
गोइंग का मतलब जाना, उसने जाना सजेस्ट किया। अब जाना अगर सजेस्ट किया तो जाना में ना आया, क्या का जवाब भी आया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ना नहीं का साउंड आ रहा है, इसका मतलब दोस्तों क्या हो गई, जेरंड। शी नीड्स टू टॉक अबाउट हर प्रॉब्लम्स, उसे जरूरत है, क्या जरूरत है उसको, टू टॉक, बात करने की, तो क्या का जवाब ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये इन्फिनिटिव है और किस केस में होगा, यहां पे किस पोजीशन में काम करेगा भाई, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में काम करेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लर्न, तो ये देखिएगा भाई, इज अकेला आ रहा है, लिंकिंग वर्ब है, तो टू लर्न इन्फिनिटिव हो गया, और इन्फिनिटिव किसका काम कर रहा है भाई, यहां पर कॉम्प्लीमेंट का। ही वॉन्ट्स टू लर्न, वह क्या चाहता है, सीखना, क्या का जवाब जो आएगा ऑब्जेक्ट होता है, तो इन्फिनिटिव है और काम किसका कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। रीडिंग हेल्प्स यू लर्न इंग्लिश, पढ़ना सहायता करता है तुम्हारी इंग्लिश को सीखने में। पढ़ना, वर्ब आ रही है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पर अगर वी वन आई एन जी आएगा तो वो क्या होगा भाई, जेरंड। ठीक है दोस्तों, नानी नी का साउंड भी है। हर फेवरेट हॉबी इज रीडिंग, उसकी फेवरेट हॉबी क्या है, रीडिंग। तो हमने कहा था कि देखो इज अकेला है, लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब अगर होगी तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी होता है, तो रीडिंग वी वन आई एन जी है, जेरंड है, और जेरंड है तो ये काम किसका कर रहा है, यहां पर कॉम्प्लीमेंट का। तो अभी आपके सामने एक स्लाइड आ रही है जी, फटाफट लेके आइएगा। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, आप इसको एक बार ऐसे कर लेना, द डूइंग की जगह पर द डूइंग्स है, बस बाकी सब सही है। द डूइंग्स ऑफ अ मैन, एक आदमी के जो कर्म होते हैं डिसाइड करते हैं उसका भाग्य है। तो यहां पर आपको डूइंग्स बताना है कि डूइंग्स क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है या फिर ये क्या है भाई आपका, जेरंड है। एक चीज आपको मैंने बताया था पहले, देखो सब एक चीज एक दूसरे से जुड़ जाएंगी, आर्टिकल हो या पजेसिव एडजेक्टिव हो, इनके बाद एक ही चीज आती है बच्चों, 100% क्या, नाउन। तो द यहां पे आर्टिकल है, तो डूइंग्स यहां पे क्या होगा, नाउन होगा, और वी वन आई एन जी जब नाउन का काम करेगा तो वो कहलाएगा दोस्तों क्या, जेरंड। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमिंग ऑफ कंप्यूटर, सेम वही बात आ गई, द एक आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद अगर वी वन आई एन जी आ रहा है तो दोस्तों वो नाउन ही होगा आर्टिकल के बाद, ठीक है, तो अगर कमिंग यहां पे नाउन है तो होगा क्या, ये भी जेरंड, आना, कंप्यूटर का आना, जेरंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर कमिंग, अब देखो योर क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, और पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद कौन आती है बच्चों, नाउन। तो योर कमिंग, तुम्हारा आना, नानी नी का साउंड भी है, तो जेरंड हो गई ये भी। फोर्थ क्वेश्चन, फास्ट ड्राइविंग इज डेंजरस, फास्ट ड्राइविंग, तेज ड्राइविंग करना, ठीक है ना, तेज गाड़ी चलाना, चलाना, तो देखो इज वैसे वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की जगह पर अगर वी वन आई एन जी आएगा तो वो क्या होगा, जेरंड, ठीक है, तो यहां पे ड्राइविंग भी क्या होगा दोस्तों, जेरंड। फास्ट जो है वो जेरंड के लिए आया है, तो फास्ट हो जाएगा एडजेक्टिव विशेषण, ड्राइविंग होगा जेरंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई रिमेंबर मीटिंग हिम वंस, मुझे याद है, बताओ मुझे क्या याद है, मीटिंग का मतलब मिलना, उससे एक बार मैं मिला था, मुझे ये बात याद है, मुझे याद है क्या, मिलना, तो मिलना, तो यानी कि यहां पर भी मीटिंग क्या हो गया भाई, एक जेरंड, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो जेरंड हो जाएगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीइंग इल आई कुड नॉट गो आउट, बीइंग इल आई कुड नॉट गो आउट, बीमार होने के कारण मैं बाहर नहीं जा सका, बीमार होने के कारण मैं बाहर नहीं जा सका, एक्चुअल में यह कहना चाह रहा है कि मैं बीमार था, मैं बाहर नहीं गया। जब इस तरह की दो क्लोज को किसी, यहां पे ध्यान रखना, मान लेते क्लोज मैंने पिछले वाली क्लास में आपको सिखाई थी, अगर इधर एक क्लोज है और फिर एक क्लोज इधर है, ये दो क्लोज की शुरुआत हो रही है, और पहली जो क्लोज की शुरुआत है अगर वो v1 प्लस ing से हो रही है ना, तो जनरली दोस्तों वो क्या होता है आपका, प्रेजेंट पार्टिसिपल। वैसे भी आप देख लीजिएगा, बीइंग इल, इसका मतलब क्या है भाई, यहां पे वर्ब की तरह ये काम कर रहा है, ये कहना चाह रहा है बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था, तो वर्ब की तरह काम कर रहा था, और वी वन आई एन जी वर्ब की तरह काम करेगा, तो वो होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट बीइंग अ रेनी डे, तो सिंपल सा दिखाई दे रहा है, इट सब्जेक्ट हो गया, बीइंग यहां पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो बीइंग अगर वर्ब की तरह काम कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉगिंग एट अ मीडियम स्पेस, मीडियम स्पीड मेक्स योर मसल्स स्ट्रॉन्गर, जो आप जॉगिंग करते हैं ना मीडियम स्पीड में, वो क्या करते हैं आपके मसल्स को स्ट्रॉन्गर बनाते, तो क्या स्ट्रॉन्गर बनाती है आपके मसल्स को,
जोगिंग यानी के एक्सरसाइज करना, जोगिंग करना। तो ये मेक्स यहाँ पे वर्ब है, वर्ब से पहले वाला हिस्सा सब्जेक्ट था और सब्जेक्टिव पार्ट में अगर वी वन प्लस आई एन जी आएगा तो दोस्तों वो हो जाएगा क्या, जेरंड। तो यहाँ पर जोगिंग क्या होगा भाई, जेरंड होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट नाउन की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट है आई डोंट माइंड योर कमिंग लेट। योर क्या हो गया, एक पजेसिव एडजेक्टिव, ऊपर लिख देता हूँ भाई। योर क्या हो गया दोस्तों, एक पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद 100% क्या आती है, नाउन। तो कमिंग यहाँ पर किसका काम कर रहा होगा, नाउन का काम कर रहा है, और नाउन का काम कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जेरंड। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ही वॉज डिसमिस फॉर नेग्लेक्टिंग हिज ड्यूटी। ही वॉज डिसमिस फॉर नेग्लेक्टिंग। अब देखो नेग्लेक्ट एक वर्ब हो गई, इस वर्ब में लग रहा है आई एन जी। अब मुझे ये देखना है कि ये जेरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो फॉर क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या आती है, नाउन या प्रोनाउन। तो भाई अगर वी वन आई एन जी होगा प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन ही होगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद वर्ब तो आती ही नहीं, नाउन ही आएगा भाई। तो अगर ये नाउन है तो दोस्तों ये क्या होगा आपका, जेरंड। क्या होगा दोस्तों, जेरंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, ही वॉज पनिश फॉर हैविंग। फिर से वही बात आ गई, फॉर हैव दे रखा है और हैव में क्या लगा दिया भाई, आई एन जी लगा दिया। प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लग रहा है तो वो नाउन होगा, नाउन होगा तो दोस्तों वो क्या होगा, जेरंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉकिंग इन द मार्केट ही मेट हिज ओल्ड फ्रेंड। जब वो मार्केट में जा रहा था तो वो अपने पुराने दोस्तों से मिला। एक्चुअल में इस सेंटेंस की सेंस क्या कह रही है, ये कह रहा है कि व्हाइल ही वॉज वॉकिंग, ये वाला पार्ट उसने छिपा दिया, अंडरस्टूड करा दिया, इसको हटा दिया। वॉकिंग इन द मार्केट का मतलब ही क्या होगा, व्हाइल ही वॉज वॉकिंग, जब वो मार्केट में जा रहा था। तो भाई यहां पे देखो आप, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब का काम कर रहा है, और वी वन आई एन जी जब वर्ब का काम करता है तो वो कहलाता है बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो वॉकिंग यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री। अब देखो अ डेवलपिंग कंट्री, कंट्री मतलब देश, नाउन हो गया भाई, नाम दे दिया। अब ये बताओ ये डेवलपिंग किसके लिए आया, इस देश के लिए आया, और नाउन के लिए जो आएगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव। और V1 प्लस ing अगर एडजेक्टिव का काम करेगा तो वो होगा दोस्तों क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी के PP। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन आर एम्यूज। बच्चों को खुश किया गया था, आनंदित किया गया था बाय द मंकी, बंदर के द्वारा, प्लेइंग इन द केज, जब वो उसके पिंजरे में खेल रहे थे, यानी कि पिंजरे में खेलते हुए। तो पिंजरे में खेलते हुए उन्होंने उसको क्या किया भाई, एम्यूज किया। तो खेलते हुए, तो प्लेइंग में देखो ना नीने वाला कोई साउंड है ही नहीं, खेलते हुए एक्शन हो रहा है, ठीक है ना, तो वर्ब की तरह कई तरह यूज हो रहा है ये। तो यहां पर दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका, प्रेजेंट पार्टिसिपल। द मीटिंग कॉल्ड एट अ शॉर्ट नोटिस वॉज नॉट अटेंडेड बाई मैनी। द मीटिंग कॉल्ड एट, द मीटिंग कॉल्ड एट अ शॉर्ट नोटिस वॉज नॉट अटेंडेड बाई मैनी। आगे कुछ होगा इसमें भाई, मैनी पर्संस होगा, कुछ कट गया होगा। तो यहां पर एक तो मीटिंग देखो आप, तो मीटिंग का तो आप सभी देख लेंगे, इससे पहले द आर्टिकल दे रखा है, और आर्टिकल अगर दे रखा है तो आर्टिकल के बाद क्या आती है, नाउन आती है। तो मीटिंग क्या हो जाएगा भाई, नाउन यानी कि जेरंड। और अगर मैं अटेंडेड की बात करूं तो अटेंडेड इसमें एक वर्ब है, और वर्ब जो होती है ईडी लगी हुई तो वो क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे, जी ये लास्ट क्वेश्चन है दो। हैविंग मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू मीट माई फेवरेट एक्टर आई वॉज रियली सैड। हमने बताया था अगर सेंटेंस की शुरुआत आपकी कभी भी हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से होगी तो वो आपका हो जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल, अगर उससे पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर प्रेपोजिशन होती, जैसे पहले देखे थे, तब तो ये क्या हो जाता, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता, क्योंकि वो प्रेपोजिशन के लिए आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, द डेवलपमेंट ऑफ अ कंप्यूटर विद ह्यूमन इंटेलिजेंस इज एट एन एडवांस स्टेज, इज एट एन एडवांस स्टेज। तो यहाँ पर हमें बताना था, स्टेज कोई भी अवस्था, नाउन हो गई, एडवांस किसके लिए आया, इस स्टेज के लिए आया, और नाउन के लिए जो आएगा दोस्तों वो क्या होगा, एडजेक्टिव। और वर्ब अगर लास्ट में ईडी लगाओ, एडजेक्टिव का काम कर रहा हो तो वो हो जाता है बच्चों आपका पास्ट पार्टिसिपल। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों, उम्मीद करता हूं बड़ा मजा आएगा। जिस दिन आपको मैं वर्ब का पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा तब ये बातें देखना आपको कितना मजा देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बच्चों इतने, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और इसको सब्सक्राइब वगैरह करवा देना भाई। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतना ही।